हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं HIV विंडो पीरियड की। विंडो पीरियड वो सिचुएशन होती है तब कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड तो हो जाता है पर वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकता वो वायरस, उसे कहते हैं विंडो पीरियड। HIV का विंडो पीरियड 3 मंथ्स का होता है और ये सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड तो है और उसका ब्लड भी इन्फेक्टेड है HIV वायरस से पर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तब उस सिचुएशन में उसका ब्लड किसी और पर्सन को भी चढ़ाया जा सकता है, उसे खुद भी पता नहीं रहता वो इन्फेक्टेड है और वो टेस्ट में भी नहीं आ सकता, उसे कहते हैं विंडो पीरियड। सिम्टम नहीं आते जब तक, HIV के सिम्टम्स आफ्टर इन्फेक्शन 3 मंथ के बाद आते हैं और 3 मंथ के बाद ही ये वायरस किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट हो सकता है। इतने दिन कोई भी टेस्ट लगाएंगे HIV का, चाहे पर्सन इन्फेक्टेड है पर वो टेस्ट में नेगेटिव ही आएगा या टेस्ट में शो नहीं होगा, उसे बोलते हैं विंडो पीरियड। HIV का विंडो पीरियड 3 मंथ का होता है और 3 मंथ के बाद उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में खतरनाक ये इसलिए है कि आपको बस डाउट हो तो आप PEP ड्रग्स ले सकते हो कि मुझे इस कारण से हो गया है, तो आप इन विथिन 72 आवर्स PEP ड्रग का डोज ले लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट में तो नेगेटिव ही आएगा HIV वायरस, और 28 डेज तक PEP लेने से डाउटफुल में ये वायरस दूर हो सकता है, वरना 3 मंथ के बाद ये किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपको डाउट हुआ या किसी पर्सन को डाउट हुआ कि मुझे HIV हो गया और वो टेस्ट करे उसमें नेगेटिव